12 बज रहे हैं, दिख रहा है क्या? गजब बेइज्जती है। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, पूरे पूरे 12 बज चुके हैं और बहुत ज़्यादा बम फूट रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, गैलरी मैन दे रहा है। सो आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी। बम कहाँ फूट रहे हैं दिखाती हूँ। अंधेरे में इतना मालूम नहीं पड़ा और बच्चे देखो कैसे नाच रहे हैं। और हम कहाँ खड़े हो? नीचे उतरो, नीचे उतरो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इरम फैमिली। कैसे हैं आप सब? तो साल का पहला दिन है आज, 1 जनवरी, और मैंने मॉर्निंग से ही वीडियो स्टार्ट कर दिया है। देखते हैं आज क्या होता है। कुछ खास नहीं है हमारी लाइफ में, कुछ स्पेशल नहीं है, वही डेली रूटीन है हमारा। और अच्छा, आप लोग अपने न्यू ईयर पे क्या कर रहे हैं ये ज़रूर बताना। किसी ने पूरी रात पार्टी की है, किसी ने पूरी रात पार्टी की है, बहुत लोग कहीं बाहर गए हैं घूमने के लिए। सो आप लोगों ने क्या क्या करा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज आपने क्या स्पेशल। सो बस अभी नाश्ते का टाइम है और हम अभी नाश्ता करेंगे। तो आज व्लॉग स्टार्ट करना था, और एक होता है ना अलग सी खुशी होती है। सो मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली है और कानों में छोटे छोटे से मैंने टॉप्स डाल लिए हैं खुशी के मारे, वरना रोज़ तो ऐसे उठे सुठे मैं व्लॉग बनाती हूँ, आपको पता है। और अच्छा, बहुत लोग ना गोवा गए हुए हैं, मतलब मैंने, हाँ गुड, मैंने देखा है कि बहुत मतलब मेरे जो काफ़ी फ्रेंड्स हैं जैसे, तो वो काफ़ी लोग गोवा गए हैं और कुछ लोगों ने पूरी नाइट आउट मारी है। सो आप लोग बताना आपने क्या क्या किया है। अच्छी बात है, सबका अपना अपना लक है। आज वैसे इतनी ठंडी नहीं है। और चलिए चलते हैं, अभी नाश्ता नाश्ता अपने लिए बनाती हूँ। सुबह सुबह तो मॉर्निंग में हस्बैंड को नाश्ता बना के दे दिया है, रोटी बना दी थी और दाल बनाई, चावल बनाए, भाजी मैंने रात बना ली थी, वो पापड़ी की भाजी होती ना, आलू सेम कहते हैं हम जैसे। अभी अपने लिए और बच्चों के लिए बनाते हैं चाय और रोटी, तो चलिए बनाते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। अब यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ हम अरहम को, क्योंकि हमें जाना है अम्मी के यहाँ पर। सो बस इसका मुंह वगैरह वॉश करा देती हूँ, वैसे भी ये फ्रेश हो चुका था उसके बाद भी, लेकिन बच्चे खाते पीते तो उनका फेस गंदा हो जाता है। अब इसको मैं रेडी कर दूँगी यहाँ पर, और नीचे जो है मैंने दूसरा प्लाजो पहना है तो वो अवॉइड करना, नमाज़ के लिए मैं चेंज कर लेती हूँ, कुछ लूज़ सा कम्फर्टेबल सा होता है तो अच्छा लगता है नमाज़ पढ़ने के लिए। और बाकी बस आगे ना आप लोग इनकी बातें सुनना, दोनों भाइयों की किस तरीके से ये बातें करते हैं, हंसी आती है, लड़ते झगड़ते मस्ती करते हैं ऐसे। अरु को देखो रो रहा है गंदा, कि हम लोग इसको नहीं लेके जाएंगे, ये गंदा अच्छा है। अम्मी चलो, अरु को नहीं लेके जाएंगे, अरु को नहीं लेके जाएंगे, जाएगा अरु, बच्चा जाएगा, मम्मी का बच्चा आ गया। अरु मम्मी बच्चा है? हाँ। क्या बोलते तुम? मम्मी बच्चा नहीं, मम्मी बच्चे को नहीं दे, हारे बुक्के के बच्चे। देखो शूज पहन रहा और चलता भी नहीं, गोद नहीं आता है ना अज्जू। हाँ बोलो, पैदल चलने का, अम्मी चिल्लाते फिर। हम यहाँ पर अम्मी के यहाँ पहुँच चुके हैं, और जो चौल में बच्चे होते हैं, प्लॉट में जितने भी लोग हैं, सब अरहम को बहुत प्यार करते हैं। जैसे हम मात को सब प्यार करते थे, वैसे ही अरहम को बहुत प्यार करते। जब भी हम अरहम जाता है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं, कुछ भी अपनी भी चीज़ सब अरहम को दे देते हैं, माशाल्लाह। चेक करो, अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, फूट जाएगा, फूट जाएगा, पानी पानी हो जाएगा सब, है ना रू? पॉइंट
ये व्लॉग आते आते इसलिए लेट हो गया क्योंकि मैंने बीच में भी ऑलरेडी दो तीन व्लॉग डाल चुकी हूँ वीडियोस वगैरह, और इसको टाइम ही नहीं मिला था एडिट करने का। हमारा बलून फूट गया, हटो मत, पूरा पानी गिर गया पूरा बलून से, पक्का फूट गया। और हमारा जो न्यू ईयर है वो पानी पूरी के साथ इंजॉय हो रहा है, ऐसा कुछ प्लान नहीं था, सडनली बस था कि पानी पूरी बननी है, और पूरा जो रेमेडीज़ है सब होम रेमेडीज़ है, सब घर में बनाई हुई है, बस पूरियां जो है हम बाहर से लेकर आए थे। सो आप देख सकते हो, और इतनी यम पानी पूरी लग रही थी ना, हद से ज़्यादा माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। और मेरे हाथ की पानी पूरी माशाल्लाह अच्छी ही बनती है। कभी आप देखना चाहोगे इसकी डिटेल पूरा व्लॉग तो मैं आपको बना के बताऊँगी, अगर आपको चाहिए तो। बहुत अमेजिंग लगती है जैसे मैं बनाती हूँ मीठा पानी, दीघा पानी, और ये मैं आपको बता रही हूँ मैं कैसे रेडी करके पानी पूरी खा रही हूँ। बहुत अच्छी थी। आपने जो अब तक की वीडियोस देखी है मेरी एक दो दिन की, तो उसके बाद ही मैं ये व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। और फेस कैसा लग रहा है आपको वो ज़रूर बताना। मैंने कुछ 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 भी मतलब वैसा वाला नहीं लगाया है, पाउडर नहीं लगाया मैंने, कुछ भी नहीं लगाया, कोई क्रीम नहीं लगाई है, और बस हल्की सी मैंने लिपस्टिक लगाई है और काजल लगाई है बस, बाकी और मैंने कुछ भी नहीं किया। फेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने जो है अभी अभी एक वीडियो शूट की थी, तो वो अभी मेरी डन हुई और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। जो वीडियो है तो वो ये है कि आप घर पे जो है फेशियल कैसे कर सकते हैं, सस्ते से सस्ता फेशियल पार्लर जैसा फेशियल वो आप अपने घर पे कैसे कर सकते हैं। तो जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है जाकर, तो प्लीज़ जल्दी से जाकर देखिए। हाँ बेटा, सो बहुत ही अच्छी वीडियो है, और आप रिज़ल्ट तो मेरे फेस पे देख ही सकते हैं, तो बहुत ही अमेजिंग है। तो आप लोग जो लोग नहीं करते हैं या इस ट्रिक से नहीं करते, ऐसे नहीं करते, सो आप लोगों को भी जानने मिलेगा, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और आगे आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं, तो जैसे कि ये मैंने रिक्वेस्टेड वीडियो बनाई थी कि आप घर पे सस्ता पार्लर जैसा फेशियल कैसे कर सकते हैं, तो ये रिक्वेस्टेड था, कॉमेंट आ रहे थे बहुत, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है। आप ये भी कमेंट करना कि आपको फिर इसके बाद जो है मैंने ये सब जो फेशियल किया है छोटा मोटा सा, उसके बाद आपको रिजल्ट मेरे फेस पे कैसा लगा है। आपको जब रिजल्ट जो है छोटा, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो आप नेक्स्ट टाइम भी आप चाहोगे कि आपको वीडियोस वगैरह अच्छी मिले, और आप ट्राई करने की भी सोचोगे। सो प्लीज़ ज़रूर से आप ट्राई करना जिस तरीके से मैंने आपको। अब यहाँ पर हम मामा और बेटे का प्यार शुरू हो गया है बहुत सारा सा, और बस हस्बैंड जो है वो लेट आएंगे तो हम खाना खा लेते हैं अपना, क्योंकि उनकी दावत थी कहीं पर तो वो खा कर आने वाले हैं। और अरहम के लिए मैंने रोटी बना दी, हम्मान वहाँ साइड में खा रहा है, मैं खा चुकी हूँ। तो चलिए इतना ही व्लॉग एडिट हो पाया था, तो आई होप आपको पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। चलिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।